Hi students, good morning. I am Neetu Jamu, your math teacher. I hope you all are good. Students, in last class we discussed exercise number 14.3 and question number 1 to 3. Okay, students, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी, क्योंकि उसमें क्या था कि हमारी अगर क्लास में मैं पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज कराती तो हमारी क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाती, तो इसीलिए मैंने क्या है आपको टू पार्ट्स में करा दिया कि उसमें क्वेश्चन नंबर 1 टू 3, क्योंकि आपको पता है कि स्टेट्स के जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा लॉन्ग होते हैं. ओके, तो एक क्वेश्चन करीबन 7-8 मिनट का होता है, तो ये अगर 9 क्वेश्चन अगर आपको कर दे तो मेरी 1 आवर की क्लास हो जाती है. मैंने इसलिए फिर आप बोर ना हो जाओ, इसलिए इसको टू पार्ट्स में किया. ओके स्टूडेंट, तो टुडे नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4 एंड एक्सरसाइज विच वन 14.3 एंड बुक इज एनसीईआरटी एंड क्लास कौन सी आपकी 10 एंड चैप्टर नेम इज स्टैटिस्टिक्स. और ये स्टूडेंट्स मैंने इसकी मार्किंग भी आपको बता दी थी कि कौन से क्वेश्चन कहाँ पे कितने मार्क्स का आता है, कि मीन मोड मीडियन है कैसे आपको फाइंड आउट करना है, कितने मार्क्स का आ सकता है, कि मीन अगर एक अकेला है तो कितने मार्क्स का आएगा, मीडियन और मोड साथ में है तो कितने मार्क्स का आएगा. ओके, तो ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स. तो नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4. तो यहाँ पे क्या है, लेंथ इज गिवन, कि यहाँ पे दे रखे आपको ट्रीज दे रखे कि उनकी लेंथ है, और नेक्स्ट दे रखे नंबर ऑफ लीव्स, लीव्स मतलब पत्ते, और फिर फाइंड द मीडियन, आपको मीडियन फाइंड आउट कर रहा है. ओके स्टूडेंट्स, तो सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपको क्या गिवन है, लेंथ है. अब लेंथ में एक चीज देखो, यहाँ पे आपके जो क्लास इंटरवल्स है, लेंथ को क्या मानते होगी, क्लास इंटरवल्स. ओके, तो यहाँ पे जो लेंथ है वो क्या है, 1/1 से 1/6. अब नेक्स्ट है 1/7 से 1/5. इट्स मीन आपका यहाँ पे 1/6 से 1/7 में कितने का डिफरेंस है स्टूडेंट्स, 1 का डिफरेंस है. ओके, अब नेक्स्ट में भी देख लेते हैं, 1/7 से 1/5, 1/6 से 1/4, यहाँ पे ऑल्सो 1 का डिफरेंस है. नेक्स्ट है 1/4 से 1/5, सब में हो कि 1 का डिफरेंस. ओके स्टूडेंट, पहले एक बार हम टैली कर लेते हैं, 1/4 से 1/5, 3, 1/5 से 1/6, 2, एंड 1/6, 3 से 1/7, 1, एंड 1/7, 2 से 1/8. तो सब में कितने का डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट्स, 1 का डिफरेंस आ रहा है. ओके, तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स, उसमें हम 0.5 माइनस कर लेते हैं, तभी भी 1 का डिफरेंस आएगा स्टूडेंट्स. तो आपको बस हमेशा याद रखना कि पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसमें से 0.5 माइनस करें. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1/7.5, और जो बाद वाली फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें 0.5 ऐड करना है. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2, 6.5, फिर 0.5 ऐड करते के साथ 1/2, 6.5 हो जाएगा. तो नेक्स्ट क्या हो जाएगी, 1/2, 6.5 से नेक्स्ट क्या हो जाएगी, 1/3, 5.5. ओके, ये क्या हो जाएगी, 1/3, 5.5 से नेक्स्ट हो जाएगी 1/4, 4.5, 1/4, 4.5 से नेक्स्ट हो जाएगी 1/5, 3.5, 1/5, 3.5 से नेक्स्ट हो जाएगी हमारी 1/6, 2.5. ओके, अब आपको क्लैरिफाई हो रहा है ना कि भाई सब में पहले, क्योंकि एक का डिफरेंस है, अब आपकी इक्वल जो है फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. अभी देखना, मैं अभी करा देती हूँ. यहाँ पे क्या हो जाएगी 1/7, 1.5, हमने लास्ट वाला है 1/7, 1.5, तो कौन सी हो जाएगी 1/80.5. ओके स्टूडेंट, अब देखो जैसे हमने 0.5 की हमने ज्यादा या कम की है, तो उससे क्या हो गया कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे इक्वल हो गई, 1/26.5 से 1/26.5 आ गया. नेक्स्ट है 1/3.5 से 1/3.5 आपका इक्वल आ गया. अब सब में देखो आपकी फ्रीक्वेंसी इक्वल आती जा रही है. ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. अब नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, जैसे आपको आपकी ये 0.5 वाली इक्वल आ गई, नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑल्सो गिवन. नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन होने के साथ अब आपको क्या करना है, सीएफ फाइंड आउट करना होता है. सेकंड मेथड क्या होता है भाई, आपको सीएफ फाइंड आउट करना. सीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, साइड में मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हाउ टू कैलकुलेट द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो स्टार्ट 3. ओके,
तो फर्स्ट फ्रिक्वेंसी वो 3 हो जाएगी। सेकंड फ्रिक्वेंसी स्टूडेंट्स क्या होगी, सेकंड फ्रिक्वेंसी होती है हमारी कॉग्निटिव फ्रिक्वेंसी की, जो एक जो कहते हैं ना प्रेसिडिंग, प्रेसिडिंग मतलब पहले वाली, उसमें से हम ये वाला ऐड कर देंगे। तो 5 और 3 8 हो गया। अब 8 और 9 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 और 2 40, यहाँ पे स्टूडेंट 40 आ गया। अब आपको क्लैरिफाई कैसे करना है कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 40 आई है, वो कि आपकी वो एग्जैक्ट ठीक है या नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपकी जो नंबर ऑफ लीव्स की मतलब आपकी जो फ्रिक्वेंसी गिवन है उसमें सबको ऐड कर रहे हैं। ओके, तो 3 प्लस 5 8 और 9 17 और 12 29 और 5 34 और 4 38 और लास्ट 2 40। अब देखो स्टूडेंट्स ये दोनों आपकी इक्वल आ रही है, इसमें की अगर आपकी इक्वल आ रही है तो योर क्वेश्चन इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ तक हो गया। अब तो क्या है कि नाउ पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम n/2 कैसे होती है कि ये 40 है तो 40 तो आपका n हो गया 40 by 2 तो आपकी कॉग्निटिव फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट क्या आएगी 20 आ गई। तो 20 को कैसे करोगे कि अब यहाँ पे देखो कॉग्निटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ पे लाई कर रही है 20, अब ये कॉग्निटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है तो जब 20 है तो 20 कहाँ पे लाई कर रही है, इस मीन वो आपको 17 पे लाई कर रही है। 17 पे कैसे लाई कर रही है, क्योंकि 17 पे ऐसे लाई कर रही है क्योंकि 29 है वो मोर देन 20 है। आपको हमेशा कॉग्निटिव फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट कौन सी लेनी है, कम वाली लेनी है। तो यहाँ पे क्या गया कॉग्निटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 17 हो जाएगी। एफ इज फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उससे एक नंबर ज्यादा सक्सेडिंग। अब ज्यादा वाली कौन सी होती है, यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ एरो करके यहाँ पे, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी वो क्या आ जाएगी एफ 12 और एच कोमा लगा के मैं एच लिख लू, एच एच मतलब हाइट, क्लास साइज, क्लास 144 से 153 का आपका डिफरेंस कितने का है 9 का। तो H होता है कि जो आपकी दोनों का डिफरेंस होता है स्टूडेंट वो आपका H हो जाता है। और लास्ट वन क्या बचता है L, L आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होती है। तो जो लोअर जो फ्रिक्वेंसी के सामने वाली जो होती है क्लास इंटरवल, तो क्या हो गई आपकी L हो गई 144.5। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि आपको ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी आ गई। तो अब जैसे ये वैल्यूज फाइंड आउट हो गई तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है कि जो ये वैल्यूज है पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 144.5 प्लस n/2 n/2 क्या था हमारा 20 माइनस cf, cf हमारा 17 अपॉन कितना है f, f आपका 12 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 कहां से आया कि आपकी h। तो क्या हो गया 144.5 प्लस में 20 में से जब आपको 17 माइनस करा क्या आएगा 3 upon 12 मल्टीप्लाई बाय 9। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हो गया 3 1 जा 3 4 जा 12 144.9 प्लस में 9 by 4 9 by 4 है स्टूडेंट्स, तो 9 by 4 को हम साइड में डिवाइड कर लेते हैं 4 2 8 1 तो आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स भाई, इसको 9 upon 4 को जब हम डिवाइड करें 144.5 प्लस में 2.25 या क्या स्टूडेंट्स। अब 2.25 को 144 को ऐड करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हम 144.5 को ऐड करते हैं 7.5 और 146 तो आपका आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 146.75। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 146.75 तो आपका मीडियन जो निकालने के बाद जो आपकी लीव्स थी वो आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 146.75। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। और स्टूडेंट्स प्लीज अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। ओके स्टूडेंट्स, तो ना नोट इट डाउन स्टूडेंट्स प्लीज दिस क्वेश्चन।
Now start the question number 5 students ki आपको क्या लाइफ टाइम इज गिवन कि वो किसमें गिवन है फ्रेंड्स आर्ट्स में गिवन है तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लास इंटरवल्स देख लेते हैं 1500 से 2000 से 2500 से 3000 3000 से 3500 3500 से 4000 4000 से 4500 एंड लास्ट वन इज 4500 से 5000 एंड नंबर ऑफ लेंथ इज गिवन फ्रेंड्स
मुझे ऑलरेडी पता है तो मैंने डायरेक्टली बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे फोर पे जाएगा फिर लास्ट में ना जाने के 06 पे, तो मैं डायरेक्टली आपको कट करा देती हूँ। तो 3000 प्लस 406 पॉइंट में भी आएगा 83। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है। और जब अब इन दोनों को प्लस भी तो करते हैं, 34.06.86। तो आई होप कि स्टूडेंट क्लियर दिस क्वेश्चन, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो आपका मीडियन क्या हो गया स्टूडेंट्स, 3406.83। तो आई होप कि स्टूडेंट क्लियर दिस क्वेश्चन एंड नोट इट डाउन प्लीज। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, की आपका क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स आर गिवन। कि आपको देखो क्लास इंटरवल्स गिवन है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19 एंड नंबर ऑफ सरनेम। सरनेम क्या होते हैं कि जो आपके नाम के बाद में लगते हैं, तो 6, 30, 40, 16, 4 और लास्ट वन इज 4। और फाइंड द कैलकुलेट ऑफ मीन मोड मीडियन स्टूडेंट्स, सॉरी इस क्वेश्चन में आपको मेन मोड मीडियन सब कुछ फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेन फाइंड आउट करेंगे, मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं कि मैंने अब मीन में देखो, बस इन्होंने क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप बुक में देख रहे हैं एनसीईआरटी बुक में कि खाली बस सिंपल मीन दे रखा है कि सिंपल मीन फाइंड आउट करना है। तो जैसे सिंपल मीन के फाइंड आउट करना है तो इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दो। और डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ओके, तो अब सिग्मा एफ आई फाइंड आउट करना है, तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई, तो आपको एफ आई तो सिंपल गिवन है लेकिन जो एक्स आई है वो क्लास इंटरवल्स में गिवन, तो वो नॉर्मल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप एक्स आई फाइंड आउट कर देते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या है, 4 और 1, 4 और 1, 5। तो मैंने क्या किया था कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय एल डिवाइडेड बाय 2, इट मीन 4 और 1, 5, 5 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या जाएगा 2.5। तो यहाँ पे जाएगा स्टूडेंट्स 2.5। नेक्स्ट है 7 और 4, 7 और 4, 11, 11, 2, और जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 5.5। नेक्स्ट है 17, 17 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8.6। यही आ जाएगा स्टूडेंट्स, तुम मैं स्पीड से करा रही हूँ स्टूडेंट्स, नहीं तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। और अब क्या है 13 और 10, 23, 23 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 22.5। नेक्स्ट क्या 29 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे 25 लिख दिया मैंने, 25 नहीं आएगा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो 23 को जब हम कर रहे थे यहाँ पे क्या था हमारा 23, जब 23 को 2 से डिवाइड कर रहे थे तो हमारा क्या आया था 11.5 आना था, मैंने डायरेक्टली जो आंसर आया था वही लिख दिया, तो 11.5 आ गया। नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट्स अब क्या आएगा 29 को जब हम 2 से डिवाइड कर रहे थे क्या आएगा 14.5। ओके, अब एक चीज देखना, चलो पहले बढ़िया लास्ट वाली और करा देती हूँ, 9 और 6 15, 1 कैरी 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 17.5। अब मैं क्या चीज बोल रही थी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज बोल रही थी, यहाँ पे जो आपका डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो देखो 2 से 5 पे 3, 5 से 8 पे 3, 8 से 11 पे 3, 11 से 14 पे 3, 14 से 17 पे 3, ये चीज बोल रही थी कि यहाँ पे आपका डिफरेंस देखते जाओ स्टूडेंट्स कि आपका 3 3 पे डिफरेंस है। ओके, तो वहां पे भी आपका डिफरेंस है वो स्टूडेंट किस पे आना चाहिए, 3 3 पे आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं नीचे का रंग कर देती हूँ क्योंकि हमें ब्लैकबोर्ड की नीड होगी। तो अब नेक्स्ट है कि आपको जैसे एक्स आई आ गया तो अब एफ आई है तो मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, तो आपको एक्स आई और एफ आई मल्टीप्लाई करना है एक्स सिग्मा एफ आई और एक्स आई। ओके, तो 6 को जब 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 150 आएगा। मैं देखो पॉइंट को हटा के 25 को 6 से मल्टीप्लाई करूं डायरेक्टली 150, बट अब पॉइंट भी या एक पॉइंट के बाद जीरो आती तो क्या आएगा 15.0। ओके, नेक्स्ट है आपका 55 को 3 से मल्टीप्लाई, साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आएगा 165.0। ठीक है, मैं
फिर से ही पढ़ाती जाऊंगी। नेक्स्ट आएगा आपको 16 को, जब हमें पहले 40 को जब करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख लू मैं 85 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 3400। तो सर के डेसिमल्स के बाद तो 0 ही आ रहा है, फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं कि कभी किसी में 0.5 आ गया तो कोई हमसे मिस्टेक ना हो। अब क्या 1.5 को 16 से करते हैं तो हम 32 आपका आ जाएगा। दोबारा फिर पेपर कर लेंगे, 32 आ जाएगा, सॉरी 33 आ गया, 3 कैरी, तो 3 और 3 6 और 7 8, तो आपका जो टोटल सम है वो क्या आ रहा है 3832। और अब लास्ट में आपको क्या करना था, हमें फॉर्मूला देखो सिग्मा एफ आई और एस आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, तो एफ आई का सम भी देख लेते स्टूडेंट्स क्या आएगा, जीरो वन कैरी, तो टोटल हमारा कितना हो गया 100 आ गया। तो अब क्या है, बस सिंपल क्या था कि पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला 832 डिवाइडेड बाय 100, तो अब वैसे डायरेक्टली हम कर सकते, तो आपका जो मीन है वो क्या जाएगा 83.2। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, मीडियन, मीडियम कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैं पहले इसको रब कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम मीडियम और मोड भी कर लेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये वाला टोटल जो सम है उसको नहीं करेंगे हम, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम मीडियम और मोड फाइंड आउट करते स्टूडेंट्स तभी भी हमें किसकी जरूरत होती है, बाई टोटल की सम की जरूरत होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीएफ निकाल लेते हैं, सीएफ पहले हो जाएगी 6, 36, 76, 92, 96 एंड लास्ट वन इज 100। अब 100 से 100 आपकी इक्वल आ गई, इट्स मीन कि आपकी सीएफ तो ठीक है। अब क्या है, बस एन बाय टू, एन बाय टू 100 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या हो जाएगी 50 हो गई। अब सीएफ क्या हो जाएगी आपकी, सीएफ हो जाएगी 50 क्या आएगी 36, क्योंकि 76 है वो ज्यादा है, तो सीएफ हो जाएगी आपकी 36। अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपकी क्या आएगी 40 हो गई। और अब क्या बचा, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट भी क्या हो जाएगी 7। भाई बताया था ना लास्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, फिर बार बार नहीं बताऊंगी कि क्या आपको लोअर लिमिट लेनी है, बिल्कुल डायरेक्टली देखते समझ आएगा कि 7 भी होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और मल्टीप्लाई बाय एच, एच आपका डिफरेंस कितने का 3 का, तो एच हो जाएगी आपकी 3। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्या है, पुट दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, तो आपकी लोअर लिमिट जो थी वो हमारी 7 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट एन बाय 250 माइनस 36, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 40 मल्टीप्लाई बाय एच 3, तो 7 प्लस 36 मिलती है 14
मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 7 जा, तो यहाँ पे 7 प्लस 21, 7 3 जा 21, और यहाँ पे 20। अब 21 को 20 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1.05। अब क्या आएगा कि 7 प्लस 1.05 ये आ गया। अब इन दोनों को जब स्टूडेंट्स हम ऐड करेंगे तो क्या देगा स्टूडेंट्स, 8.05। तो आपका जो मीडियन है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, 8.05। तो स्टूडेंट्स आई होप कि क्लियर दिस, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तो नोट इट डाउन स्टूडेंट्स प्लीज, कि स्टूडेंट अगर आपको क्या होगा मैं नोट हो गया होगा मैं रख कर देती हूँ, क्योंकि अब नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोड। तो मोड कैसे फाइंड आउट करना होता है, मोड के लिए फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला होता है, मोड एल प्लस ब्रैकेट स्टार्ट एफ वन माइनस एफ जीरो ब्रैकेट क्लोज। अब नीचे क्या देगा, 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू, ये हो गया स्टूडेंट्स कि एफ टू हो गया मल्टीप्लाई बाय एच। एच आपको क्या होती है, अब देखो यहाँ पे हमें फटाफट हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये लास्ट एग्जैक्ट इस साइड स्टूडेंट्स मैंने उसने आपको बताया था। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एफ वन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस फ्रिक्वेंसी में जो सबसे हाईएस्ट नंबर के 40, तो इसमें आपका F1 और ऊपर वाला क्या हो जाता है F0 और नीचे F2। ओके, और जो बिल्कुल F1 के जो सामने वाली जो सीरीज होती है वो क्या हो जाती है आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, एंड डिफरेंस इज 3, तो वो आपको पता ही है। तो F1 आपका कितना है 40, F0 30 और F2 16, ये हो गया। अब H आपको कितना फाइंड आउट करना है, 3, और L आपको कितना है 7। आई होप कि यहाँ तक स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा, मैंने इतना छोटा यहाँ पे अलग से ये नहीं बताया कि F1 मैंने आपको बता ही चुकी हूँ लास्ट क्वेश्चन में भी कि F1 हमारा जो सबसे हाईएस्ट नंबर था वो आता है F0 उसके ऊपर वाला और F2 हमारा नीचे वाला, ठीक है। तो जैसे वैल्यूज फाइंड आउट होगी पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा L आपका 7 प्लस F1 माइनस F0, F1 क्या 40 माइनस F0 क्या 30 ब्रैकेट क्लोज 2 मल्टीप्लाई बाय 40 और F0 30 और 16 मल्टीप्लाई बाय H आपको कितना है, H आपका 3, तो यहाँ पे मैं साइड नहीं कर रही हूँ, 7 प्लस 40 में से जो 30 माइनस करें तो 10, 2 मल्टीप्लाई 40 18 माइनस 30 और 16, 30 और 16 क्या देगा 6, और यहाँ पे 3 और 1 4, दोनों को जब माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस करो 46 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे हो गया स्टूडेंट। तो 7 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 30 प्लस यहाँ पे 46 माइनस डाउन कर देंगे तो क्या आएगा 80 में से जब हम 46 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 34 ही आ रहे ना। तो अब 7 प्लस अब जब 34 को हम 30 से डिवाइड करते देते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा आंसर हमेशा क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर है तो मैं डायरेक्टली बता सकती हूँ कि 0.0 आएगा, पर फिर भी हम ट्राई कर लेते एक बार 0 एक पे कर देते हो, हाँ जी तो यही आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो 0.88, तो दोनों को सम कर रहे तो क्या आएगा 7.88, तो आपका जो मोड था स्टूडेंट्स वो क्या आ गया 7.88। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नोट इट डाउन प्लीज स्टूडेंट्स, दिस इज द 7th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। देखो क्या गिवन है, वेट इज गिवन, तो वेट आपका किसमें गिवन होता है किलोग्राम्स में, तो 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 एंड लास्ट में 70 से 75, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज ऑल्सो गिवन 2, 3, 8, 6, 6, 3 एंड लास्ट वन इज 2।
कि यहाँ पे ये दिस इज बी गिवन इन दी फ्रिक्वेंसी, और आपको अब फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियम ही फाइंड आउट करना है, तो मीडियम फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है, सी एस कॉम्युनिटी फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो पहली हो जाएगी 2, सेकंड हो जाएगी 5, 13, अब ये बार बार की बस ऐड करते जाओ, 19, 25, 28 एंड लास्ट वन इज 30। अब यहाँ पे एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर दो कि और जो आपकी जो कॉम्युनिटी फ्रिक्वेंसी आई है वो ठीक आई है। 2 और 3, 5 और 8, 13, 13 और 6, 19, 19 और 6, 25, 25 और 3, 28 और लास्ट वन 30, 30 से 30 आपकी इक्वल हो रही है, इट्स मीन आपका क्वेश्चन याद है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है आपको पुट द वैल्यूज, पहले आपको n बाई 2 फाइंड आउट करना है, n बाई 2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 2, 15 आ जाएगा। अब सी एफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, सी एफ आपको यहाँ पे देखो 15 कहाँ पे लाई कर रहे हैं, 13 और 19 के, तो हमें सी एफ कम वाली लेनी होती है, तो सी एफ आपकी क्या गई, 13 आ गई। एच आपको क्या लेना है, एच पहले हम एफ निकाल लेते हैं, एफ क्या आ जाएगी 6, और अब एच देखो, एच सामने वाली फ्रिक्वेंसी में क्या 5 का डिफरेंस है, और एल एल मतलब लोअर लिमिट, तो क्या आ गई 55। आपको ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट टाइम ऑफ की स्टूडेंट कंफर्म होगी, जैसे भी वैल्यूज आगे पुट दी वैल्यूज इन दे फॉर्मूला, तो 55 प्लस एन बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट 15 माइनस क्या 13 ब्रैकेट क्लोज एफ, एफ आपकी 6 मल्टीप्लाई बाई एच 5, ओके, क्योंकि 5 का आपको पता ही था, तो क्या हो जाएगा 55 प्लस 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो गया, सॉरी 6 आएगा ना, नीचे 6 2 1 2 3 जा, तो 55 प्लस में 5 अपॉन 3, अब डिवाइड करना पड़ेगा डायरेक्टली, लिखो 1/1.66 आएगा, तो 55 प्लस में 1.66 यही आएगा, तो अब दोनों को जब प्लस करें तो स्टूडेंट्स क्या आ रहा है 56.66। तो आपका जो मीडियम है जो कि एवरेज जो स्टूडेंट्स का फाइंड, हमें फाइंड आउट क्या करना था कि स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है वो फाइंड आउट करना था, तो एवरेज वेट हमारा कितना गया, अप्रोक्सीमेट देती हूँ मैं इन केजीज, क्योंकि हमारा वेट हमेशा केजीज में फाइंड आउट करना होता है स्टूडेंट्स, तो आपका जो आंसर आ गया 56.66। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर होगा, ओके, नोट इट डाउन प्लीज स्टूडेंट्स, कि आज की जो हमारी एक्सरसाइज है 14.3 तो कंप्लीट हो गई, अब हमारी एक्सरसाइज 14.2 स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास है उसको हम ओवर करते हैं, इन दिस एक्सरसाइज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7, तो द फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स उसमें मैंने 3 क्वेश्चन कराए थे, और जो आज की क्लास है उसमें मैंने 4 से 7 तक कराया, तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन जो भी है क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, ओके, और तब तक के लिए बाय बाय।